मोगा की देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी कि विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी मोगा में दो जगहों पर बुराई के प्रतीक रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। वहीं मोगा में 60 फीट ऊंचे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए थे। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इन पुतलों का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दहन किया गया। इस दौरान वह भी मौजूद लोगों ने कहा कि आज के युग में हमारे पास रावण रूपी बेरोजगार, भ्रष्टाचार और आपसी रंजिश है। हमें इन बुराइयों पर भी विजय हासिल करने की ज़रूरत है, यानी कि इन सभी बुराइयों को भी जलाने की ज़रूरत है। एक प्रतीक हैगा कि बुराई ते अच्छाई दी किस तरह जीत हुंदी है। आहाई को चीज़ां नू दिखाण लई है सारे परिवार नू, बच्चियां नू, आने वाली पीढ़ी नू, जिहड़ी पीढ़ी हुण चलदी पई है उन्होंने समझापा सारा पता आप दशहरा क्यों मनाने इस दिन बुराई के उपर अच्छाई की जित हुई सी तो उस तरह आपने घर अपने दिलों के जितिया भी बुराइया वै उन्होंने सारे खत्म करके चौंहठवें स्थापना वर्ष से दशहरा मनाया जा रहा। साडे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता जी स्वर्गीय श्री रमेश कुक्कू जी चेयरमैन सन बहुत सालों तो उस तो बाद क्लब के सारे मैंबर ने मैनू सहमत ने मेरे से जिम्मेदारी पाई है। पर मैं जिहड़ा आपां हमेशा दशहरा मनाउंदे आ रावण का पुतला फूकदे आ जय श्री राम दे नारे लाउंदे आ श्री राम जी नूं याद करदे।